गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हेलो एट क्लास। आपकी बसंत की बुक्स में आपकी जो एक पोएम है, नंबर 4 पोएम है दीवानों की हस्ती, आज मैं आपको वो पढ़ा रही हूँ जिसके लेखक है भगवती चरण वर्मा, जिनका जन्म हुआ था 30 अगस्त 1903 को और उनकी मृत्यु हुई थी 5 अक्टूबर 1981 को। इन्होंने जो ये कविता लिखी है, अपनी ज़िंदगी से जुड़ी हुई कविता लिखी है, इसमें इन्होंने खुद को दीवाना कहा है। दीवाना वह होता है जिसे किसी की परवाह नहीं होती, वो अपनी ही मस्ती में मस्त रहता है, वह मस्त मोला होता है। वह जो लोग बुरे होते हैं या कह सकते हैं जो उनसे ईर्ष्या करते हैं, उनकी उनको कोई भी परवाह नहीं है, वह अपनी ही मस्ती में अपनी ज़िंदगी जीते हैं। वो कहते हैं, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। अब यही कह रहे हैं, जो हम दीवाने हैं, हमारी क्या हस्ती है, क्या हमारा स्वभाव है, कैसा हमारा अस्तित्व क्या है, वो अपने बारे में बता रहे हैं कि हम आज यहाँ हैं और कल वहाँ चले, यानी हम एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं, एक जगह नहीं टिकते हैं, हमारा तो काम ही चलते जाना है। आज हम यहाँ हैं और कल कहीं और होंगे। मस्ती का आलम, जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ चारों ओर मस्ती का आलम छा जाता है, मौज मस्ती का आलम छा जाता है, माहौल एकदम खुशनुमा हो जाता है, सब और खुशियाँ ही खुशियाँ हो जाती है, सब खुश हो जाते हैं सब लोग। हम धूल उड़ाते, यानी हम अपनी मस्ती में एकदम दृढ़ निश्चय होकर जहाँ भी जाते हैं सब खुश हो जाते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। अब लेखक कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं इसके, कि जब हम कहीं लोगों में जाते हैं, खुशियाँ बांटते हैं, हम उन आपस में प्रेम बांटते हैं उन सब में, तो सब कहते हैं कि तुम आए बनकर उल्लास, अब अभी तो तुम खुशी बनकर आनंद बनकर हमारे पास आए थे, हम सब में खुशी और प्रेम बांटा था, और अभी क्यों जा रहे हो। जब कवि वहाँ से जाते हैं तो उनको रोना आ जाता है, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं लोगों की आंखों में, क्योंकि उन्होंने काफ़ी खुशियाँ बांटी हैं लोगों में, और सब कहते ही रह जाते हैं कि जब हम वहाँ से जाते हैं तो सब कहते ही रहते हैं तुम कैसे आए और कहाँ चले, अरे तुम कैसे आए और कहाँ चल दिए, अभी तो तुम आए थे और अभी चल दिए, थोड़ा बहुत ठहरते तो, यानी लोग उन्हें अपने पास रखना चाहते हैं क्योंकि उन्हें उन्होंने सब में प्रेम और खुशियाँ बांटी हैं। अब कवि कहते हैं, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। अब जो इसके कवि है वो कह रहे हैं कि किस ओर चले यह मत पूछो, हमसे यह मत पूछो कि हम किस ओर जा रहे हैं, कि हमने यहाँ पे खुशियाँ और प्रेम बांट दिया है, हमें आगे भी बांटना है, हमारा काम रुकना नहीं है, बस चलते ही रहना है। जिस तरह यहाँ पे हम खुशी बांट रहे हैं, जैसा हम व्यवहार यहाँ पे कर रहे हैं, वैसा हमें आगे जाकर भी करना है। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। अब कह रहे हैं कि संसार से हमने कुछ लिया है, इतने अनुभव प्राप्त किए हैं, इतना ज्ञान लिया है, और कुछ प्रेम खुशियाँ और कुछ वही ज्ञान हमने इन संसार को दिया भी है, दुनिया को दिया भी है, और यही हमारा काम है कि जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ से कुछ ज्ञान ले लेते हैं और कुछ ज्ञान खुशी सब कुछ बांटते जाते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं इसको कि जिस तरह सुख बांटने से बढ़ता है और दुख बांटने से कम होता है, हम लोगों के पास जाकर उनका दुख बांटते हैं, उनका दुख कम करते हैं और उनकी जो खुशियाँ हैं उनको बढ़ाते हैं। तो इस तरह कुछ लेते हैं उनसे, उनसे कुछ अपना उनको देते हैं, आपस में सुख और दुख की बातें करते हैं और उनका भी मन हल्का हो जाता है, हमारा भी मन हल्का हो जाता है और चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ छा जाती है। कवि यही कह रहे हैं कि हमारे जाने पर इसलिए लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि हम सब और खुशियाँ बांटते चलते हैं। और यही कवि कहते हैं कि लोगों को ऐसा ही होना चाहिए कि जहाँ भी जाएं वहाँ का माहौल एकदम खुशनुमा हो जाए। बाकी की पोएम नेक्स्ट वीडियो में।